थाना गागरलेडी के गांव माहली निवासी अवेश पुत्र तौफीक कई दिन पहले लापता होने के बाद परिजनों द्वारा थाने पर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा शक के आधार पर अवेश के छोटे भाई शोएब को हिरासत में लिया गया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 17 वर्ष नाबालिग शोएब को हिरासत में लेकर काफी टॉर्चर किया। इसी को लेकर परिजनों ने अपने बच्चे के लापता होने के बाद हत्या की आशंका जताई है। गुस्साए परिजनों का थाने पर हंगामा और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। थाना पुलिस का कहना है कि शोएब ने अपने भाई की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और शोएब की निशानदेही पर वह उसे लेकर रुड़की नहर के पास गए थे, जहां वह पुलिस को चकमा देकर नहर में कूद गया। काफी तलाश के बाद भी शोएब का नहर में कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। नाम मेरा तौफीक है, गांव माली है। मेरा बच्चा एक गुम हुआ था इतवार को, हमने उसकी तारीख दी गुमशुदा की, और अगले दिन जो है कल का दिन था मंगल को हमारा बच्चे को लाए, दूसरे को 17 साल की उसकी उम्र है, और इन्होंने जो होना अंदर जाकर टॉर्चर करा उसे और छत्ता पिटा उसे किलवा के ये खून मने करा, और उसको लेकर जो होना इधर गए बड़ी नहर पर क्या नाम रुड़की की तरफ मेवड़, और वहाँ ले जाकर जो होना फिर हमारे फोन करा उन्होंने कि आपका बच्चा तो जो होना उसमें नहर में कूद गया और नवाना पैडी ना साइड कुछ भी बाउंड्री हो रही है वहाँ से। अच्छा माला हमारा बच्चा वहाँ कूदा तो इन्होंने किस तरह कूदा वहाँ हमारा बच्चा, चार घंटे के अंदर जो होना इन्होंने हमारा बच्चा जो ना उठा भी लिया छत्ता पिट्टा भी और वो मार भी दिया उन्होंने। क्या बताओ उन्होंने मारा या कहीं रख रखा? हमें तो हमारा बच्चा चाह रहा, कम से कम एक मर गया तो कम से कम दूसरा तो नहीं दिया था, वो तो इनके हवाले था। बताओ कहाँ विश्वास करेंगे हम? अच्छा जो इसके केस में दूसरा आदमी पकड़ा था, जो दूसरा पकड़ा छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, छोड़ दिया। जो लड़के ने नाम लिया इनका कहना था पला लड़का है गांव का, ये उसे ले गया ला के जो ना उसे फिर छोड़ भी दिया उन्होंने, और जबकि दोनों को साथ ले जाना था वहाँ से मेवाड़, एक को यहाँ लाए एक को वहाँ ले गए, और हमें भी साथ लेके जाना था, साथ नहीं लेके गए, और उत्तराखंड की पुलिस भी साथ ले गए, सिर्फ यही थे वहाँ से।